सपोर्ट सब गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करूंगा अच्छे होंगे। साथियों आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि इंडियन एयरफोर्स के अंदर नॉट एनपीएसएल क्या है। यानी साथियों जैसा कि आपको पता है रिसेंटली 30 अप्रैल को आपका पीएसएल आने वाला है, तो उसके अंदर बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी होंगे जो नॉट एनपीएसएल में आएंगे। तो आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं कि नॉट एनपीएसएल क्या है, क्या यदि नॉट एनपीएसएल के अंदर नाम आता है तो क्या हमारा सिलेक्शन हो सकता है, या फिर क्या है पूरा मसला, क्या है पूरा बंडा। आज की इस वीडियो में देने वाला हूं आपको पूरी जानकारी। तो देखते हैं इस वीडियो को, वीडियो काफी नॉलेजेबल एंड इंटरेस्टिंग होने वाली है आप सभी के लिए। आज की इस कमाल वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मेरे को जान लीजिए, यदि मेरे को नहीं जानते तो मेरा नाम है पंकज और हमेशा की तरह आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डायरी ऑफ लर्निंग के अंदर स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। भाई मेरे बात करता हूँ कि नॉट इन पीएसएल है क्या। तो नॉट इन पीएसएल आपका है एक लिस्ट जो कि आपका पीएसएल लिस्ट के साथ ही आता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर बात करता हूँ कि नॉट इन पीएसएल के अंदर कौन आता है। तो नॉट इन पीएसएल के अंदर वो सारे कैंडिडेट्स आते हैं जिनका नाम पीएसएल लिस्ट के अंदर नहीं आता है। अब यहाँ पर बात करता हूँ कि नॉट इन पीएसएल को क्या हम वेटिंग लिस्ट से कंपेयर कर सकते हैं। तो जी भाई बिल्कुल कर सकते हो, आप नॉट इन पीएसएल को वेटिंग लिस्ट से कंपेयर कर सकते हो। यहाँ पर यदि आप वेटिंग लिस्ट बोलते हो तो वेटिंग लिस्ट के अंदर क्या होता है। वेटिंग लिस्ट के अंदर होता है कि यानी कि जो भी कैंडिडेट वेटिंग लिस्ट के अंदर आते हैं यदि वैकेंसी ज्यादा है तो वेटिंग लिस्ट से लेंगे। उसी प्रकार से नॉट इन पीएसएल एयरफोर्स के अंदर यानी कि साथियों यदि पीएसएल वाले सारे कैंडिडेट्स आ जाते हैं और उसके बाद भी वैकेंसी ज्यादा है तब नॉट इन पीएसएल वाली जो लिस्ट है उसके अंदर से कैंडिडेट्स को लिया जाता है। तो ये आपका नॉट इन पीएसएल एक तरीके से वेटिंग लिस्ट ही मान के चलिए। बात करता हूँ उसकी वैलिडिटी कितनी होती है। तो इसकी वैलिडिटी होती है ओनली 6 मंथ। यानी साथियों आपका जब तक ये इंटेक चलेगा जिस इंटेक में आप पीएसएल की इंतजार कर रहे हो तब तक ही आपका ये वेटिंग लिस्ट रहेगा। ये नहीं है कि नेक्स्ट वैकेंसी में आपको एनरोल कर दिया जाए। तो भाई मेरे बात करता हूँ यदि हमारा नाम आ जाता है नॉट इन पीएसएल लिस्ट के अंदर तो क्या हमारा सिलेक्शन पक्का है। तो भाई मेरे सबसे पहले आप सभी के लिए बता दूं, इस वीडियो का मोटिव आपको डिमोटिवेट करना बिल्कुल भी नहीं है। तो प्लीज डिमोटिवेट बिल्कुल भी मत होइएगा, आप सभी से ये मेरी रिक्वेस्ट रहेगी। अभी बात करता हूँ इस क्वेश्चन का आंसर देते हुए। तो भाई मेरा आंसर आप सभी के लिए रहेगा कि बहुत कम चांस है यदि आपका नाम आता है नॉट इन पीएसएल के अंदर। यदि हम बात करें इंडियन एयरफोर्स की प्रीवियस एक्टिविटी की, जब से मैं यूट्यूब पर आया हूँ मेरे को जो जानकारी है उसके अकॉर्डिंग, तो जो भी कैंडिडेट नॉट इन पीएसएल के अंदर आते हैं उनका बहुत कम चांस होता है कि उनका सिलेक्शन हो जाए फाइनल, ठीक है ना। बिकॉज इसका एक रीजन है, रीजन ये है कि जो भी कैंडिडेट पीएसएल के अंदर आते हैं उनमें से कैंडिडेट को आउट किया जाता है और नॉट इन पीएसएल में तब कैंडिडेट लिए जाएंगे जब पीएसएल के सारे कैंडिडेट्स आ जाएंगे सिलेक्शन के लिए, ठीक है ना भाई मेरे। तो आपके बहुत कम चांस हैं। तो उम्मीद करूंगा आज की वीडियो आपको पसंद आई। वीडियो यदि पसंद है तो लाइक करिए, कोई प्रॉब्लम हो कमेंट करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए और उसको सेलेक्ट कर लीजिए ताकि फ्यूचर कोई भी आए तो नोटिफिकेशन आपके लिए पहुंच जाए सबसे पहले। काफी वीडियो चैनल पर अवेलेबल है रिगार्डिंग टू नेवी एंड एयरफोर्स, तो विजिट करके देख लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।